उसके पास जाकर सोचने करे, ने सोके करे और मेरी भगवान की पवित्र नाम को बार बार स्मरण करावे। जैसे वराहे नरसिंह, बामन भगवान, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कलंगी इन 10 नामों को बुद्धिमान सदा स्मरण करें कि वही बंधु कहा जाते हैं, वही सच्चे बांधव है जो अंत समय भगवान को नाम बार बार उसे बुलावे और बंधु कहे जाते हैं। जो रोगी के पास जाकर इन नामों को उच्चारण करते हैं, जिसकी बाड़ी में कृष्ण को मंगल में नाम रहता है, उसके करोड़ों माँ पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान को नाम लेता हुआ अजामिल भी वैकुंठ में चला गया। एक छोरा को नाम ही नारायण रखियो, और अजामिल के जब दूत आए तो नारायण को नाम पुकारा और उस नारायण नाम से अजामिल वैकुंठ धाम को चला गया। तो श्रद्धा से भगवान को नाम लेते हैं, उनका तो कहना ही क्या, अनजाने में अजामिल ने भगवान को नाम लिया, उससे वैकुंठ धाम को चला गया। तो जान के अगर भगवान को नाम लेवे तो उससे का तो कहना ही क्या। जैसे बिना इच्छा के अकस्मात छुआ हुआ अग्नि जला देती है, इसी तरह दो चरित्र पापों को स्मरण किया हुआ भगवान को नाम पापों को जला देता है। हे गरुड़ जी, हरि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने को समर्थ नहीं है। भगवान को नाम ही एकमात्र पापों को नष्ट करने वालों है। दूतों से यमराज कहते हैं कि नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो, परंतु जो भगवान को नाम स्मरण करने वाले हो उन्हें भूल कर भी नहीं लाना, क्योंकि मैं भी उस भगवान के सब राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ और जानकी नायक श्री भगवान रामचंद्र जी को भजन करता हूँ। हे दूतो, जो कमल नयन वासुदेव भगवान विष्णु श्रीधर अच्युत और शंख चक्र पाणि शरणम भवे ऐसे उच्चारण करते हैं, उन पाप रहित मनुष्य को दूर ही से त्याग दो, अर्थात उन हरि भक्त धर्मात्माओं के पास भूल कर भी मत जाओ। अकिचन और भक्ति भगवत भक्ति से के जानने वाले परम हंस कुलों से सदा सेवित श्री भगवान के चरण कमलों के पराग रस से विमुख था नरक के मार्ग में तृष्णा रखने वाले असज्जनों को यहाँ लाना, जो कभी भगवान को नाम नहीं लेवे उनको यहाँ लेके आया करो, और भगवान को जो नाम लेवे उसे भूल के भी मत लाना। जिनकी जीव भगवान के नाम और गुणों को नहीं कहती और जिनका मन भगवान के चरण बिंदुओं में नहीं लगता था, जिनका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से विमुख दुष्टों को यहाँ लाया करो। हे गरुड़ जी, इस कारण से जगत में मंगल रूप भगवान को कीर्तन बड़े भारी पापों का एक ही प्रायश्चित है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नारे उतरे ही पारा, केवल भगवान को नाम ही सब पापों को नष्ट करने वालों है। पापों को एक ही प्रायश्चित है, प्रभु से विमुख दुष्ट बुद्धि वाले को किए हुए प्रायश्चित भी विमुख दुष्ट बुद्धि वाले को किए हुए प्रायश्चित भी पवित्र कर सकते हैं। जैसे मद्रास के घड़ी को गंगा आदि नदी पवित्र नहीं करती, कृष्ण भगवान के नाम लेने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे नरक यमराज और यम के दूतों को कभी सपने में भी नहीं देख सकते। जो अंतिकाल में ब्राह्मण को गोदान करता है वे मां सती और रक्त से परिपूरित वैतरणी नदी में नहीं पड़ता। इसी प्रकार अंत से
अर्थात कृष्ण।